बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है बेटा? फोर्थ ईयर जी, आवाज आ रही है मेरी? मैम आ रही है लेकिन कम आ रही है। यस आवाज कम आ रही है। मैम, लाउडनेस कम है मैम। बेटा आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। द कंटेंट्स ऑफ द लेक्चर टुडे इज ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, टाइप्स ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, यूजेस ऑफ आई ड्रॉप्स, एडवांटेजेस ऑफ आई ड्रॉप्स। इंट्रोडक्शन है। मेडिकेशन इंटेंडेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑन टू द सर्फेस ऑफ द आईज फॉर्मुलेटेड इन एक्वस सोल्यूशन एज आई ड्रॉप्स और लोशन और इन एन ऑयली बेस एज एन ऑइंटमेंट। यानी वो तमाम मेडिकेशन जो आप आईज के लिए हम यूज करते हैं या आईज में हम इस्तेमाल करते हैं वो एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में होती हैं। एक्वस सोल्यूशन में जो है हमारे पास आई ड्रॉप्स हो जाते हैं या आई लोशंस हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा जो है हमारे पास ऑइंटमेंट भी, हम आई प्रिपरेशन में हमारे पास ऑइंटमेंट और जेल फॉर्म में भी हमारे पास मौजूद होती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास आई प्रिपरेशंस मौजूद होती हैं या डोजेज फॉर्म मौजूद होती हैं जो कि हम आई इन्फेक्शन में या सिंपल इरिटेशन में हम या रेडनेस, आई रेडनेस को रिमूव करने के लिए या ड्राई आईज के लिए हम यूज़ करते हैं। Because of the possibility of eye infection occurring, particularly after abrasion or damage to the corneal surface, all ophthalmic preparation must be sterile. क्योंकि ये कह रहे हैं कि possibility होती है कि अगर cornea damage हो जाए किसी भी वजह से तो जितनी भी eye preparation होती है should be sterile, and it means के free from all types of microbes. के sterile होनी चाहिए तमाम eye preparation, चाहे वो eye drops हों, eye lotions हों, ointment हों। इसके अलावा एज वेल एज बीइंग स्टराइल, आई प्रोडक्ट्स शुड बी रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पार्टिकल्स दैट माइट कॉज डैमेज टू द कॉर्निया। यानी स्टराइल होने के साथ ये पार्टिकल्स, इसमें ऑल टाइप्स के पार्टिकल्स जितने भी होते हैं ऐसे पार्टिकल्स उसमें मौजूद ना हो जो कि कॉर्निया को डैमेज कर दें। ठीक है, आगे चलते हैं हम। टाइप्स ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन कौन कौन सी हमारे पास है? अभी मैंने जो अभी इंट्रोडक्शन बेटा बता रही थी उसमें भी बताया, हमारे पास आई ड्रॉप्स हैं, आई लोशंस हैं, आई ऑइंटमेंट हैं, कॉन्टेक्ट लेंस सॉल्यूशन है, इसके अलावा आई जेल्स भी होते हैं बेटा हमारे पास ना। आई ड्रॉप्स में हम चलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देयर आर डिफरेंट कंटेनर सिस्टम अवेलेबल फॉर आई ड्रॉप्स। Small plastic vials for single usage belong to so-called single dose system and conventional dropper bottles with several milliliters of contents are described as multi-dose system. यानी ये कह रहे हैं कि आई ड्रॉप्स को अगर हम देखें कि जिसका यूटिलाइजेशन या उसकी फ्रीक्वेंसी हम देखें कि कितना हमें यूज करना है तो इसके हिसाब से जो है हमारे पास डिफरेंट जो है वो डोजेज फॉर्म में हमारे पास डिफरेंट कंटेनर सिस्टम अवेलेबल है जिसमें आपके पास स्मॉल प्लास्टिक वायल्स मौजूद होते हैं जो कि सिंगल डोज में आते हैं, इसे सिंगल डोज सिस्टम भी कहते हैं। इसके अलावा कन्वेंशनल यानी जो ट्रेडिशनल ड्रॉपर्स हमारे पास मौजूद होते हैं नॉर्मली जो आप घरों में यूज करते हैं, अगर अभी भी आपके पास कोई घर में बेटा आई ड्रॉपर है तो उसको उठा के आप देखें तो वो मल्टी डोज होते हैं और उसमें मोर देन 2 or 3 milliliter मौजूद होते हैं आई ड्रॉप्स। Drops are presented for use in sterile single dose plastic sachet containing 0.3 to 0.5 ml of liquid. Multi dose amber fluted eye droppers bottles including the rubber teat as a part of closed container or supplied separately. जैसे अभी मैंने पीछे स्लाइड में बताया बेटा आप लोगों को कि हमारे पास जो होते हैं आई ड्रॉप जो होते हैं वो सिंगल डोज में भी मौजूद होते हैं और मल्टी डोज में या मल्टीपल डोज में भी मौजूद होते हैं। सिंगल डोज में ही कह रहे हैं ज्यादातर जो हमारे पास होते हैं वो प्लास्टिक साशे में होते हैं और ये 0.3 से क्वांटिटी इनकी कितनी होती है 0.3 to 0.5 ml of liquid मौजूद होता है।
अगर मल्टी मल्टीपल डोज की बात करें तो मल्टीपल डोज में ये कह रहे हैं हमारे पास फ्लूटेड आई ड्रॉपर्स मौजूद होते हैं एम्बर ग्लासेस में, जिसके साथ जो होता है उन्होंने कह रहे हैं कि रबर टीट मौजूद होता है, जिस तरह अगर आप नेल स्टेट वगैरह के ड्रॉपर देखें तो उनके साथ एक ड्रॉपर मौजूद होता है अलग से, तो इसमें भी ये कह रहे हैं या तो सेपरेट मौजूद होता है या एज अ क्लोज्ड कंटेनर के तौर पर मौजूद होता है, जिसके थ्रू आप जो है वो आईज में हम ड्रॉपर ड्रॉप ऐड करते हैं डालते हैं। आगे चलते हैं बेटा हम, द मैक्सिमम वॉल्यूम इन ईच कंटेनर इज लिमिटेड टू 10 ml, यानी ये कह रहे हैं कि जो हमने जो सिंगल ड्रॉप्स की अगर हम बात करें या सिंगल डोज की हम बात करें तो सिंगल डोज में हमारे पास 0.3 से 0.5 ml की क्वांटिटी होती है, लेकिन अगर हम मल्टीपल डोज या मल्टी डोज कंटेनर की बात करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम जो उसमें आ रहा है वो 10 ml आ रहा है। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट विद अ प्रिजर्वेटिव, आई ड्रॉप्स फॉर सर्जिकल थ्रेड यूज शुड बी सप्लाइड इन सिंगल डोज कंटेनर्स। अच्छा ये बताइए बेटा यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि प्रिजर्वेटिव मौजूद होने चाहिए? जी पोर्टियर, दिलनवाज आप बताइए बेटा क्यों आई ड्रॉप्स में हम कह रहे हैं कि प्रिजर्वेटिव होने चाहिए? वैसे तो हमारे पास प्रिजर्वेटिव और नॉन प्रिजर्वेटिव दोनों आई ड्रॉप्स मौजूद होते हैं। जी मरियम क्या हो गया बेटा? वरीशा मैम आई ड्रॉप्स में अगर प्रिजर्वेटिव नहीं होंगे तो हम उसको आईज पे जब यूज करेंगे तो काफी सेंसिटिव एरिया है, तो प्रिजर्वेटिव हम क्यों क्यों ऐड करते हैं? मैम वो जो है हमारी जो वो है क्या कहते हैं हमारी फॉर्मुलेशन है उसको प्रिजर्व करती है माइक्रोबियल कंटेंट की ग्रोथ से। जी शाबाश जी बिल्कुल, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन से हम उसको महफूज रखते हैं, जो भी सिर्फ हम आई ड्रॉप्स की बात नहीं करें, जहाँ भी हम प्रिजर्वेटिव जो भी हमारे पास डोजेज फॉर्म होती है जहाँ पे हम प्रिजर्वेटिव हम ऐड करते हैं इसलिए हम इसे प्रिजर्व करते हैं फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ फंगल ग्रोथ तमाम कंटेमिनेशन से, तो इसलिए हम प्रिजर्वेटिव यहाँ भी हमारे पास हम यूज कर रहे हैं। अच्छा ये कह रहे हैं कि अगर सर्जिकल थिएटर वगैरह में हम देखें जहाँ पे सर्जरी हो रही होती है आइस की, वहाँ पे सिंगल डोज कंटेनर हम यूज कर रहे होते हैं। क्यों सिंगल डोज कंटेनर कह रहे हैं बेटा वहाँ पे, क्यों सिंगल डोज हमें यूज करनी चाहिए? वैसे तो हमारे यहाँ सिंगल डोज भी आती है लेकिन मेजोरिटी आप देखेंगे जो आई ड्रॉप्स होते हैं हमारे पास वो मल्टी डोज कंटेनर में होते हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि सर्जिकल थिएटर वगैरह में जो है वो हमें ज्यादातर सिंगल डोज कंटेनर यूज करना चाहिए। क्यों सिंगल डोज कंटेनर यूज करना चाहिए? जी बताइए। मैम इसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं, जैसे समटाइम डिफरेंट डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे होते हैं तो मतलब कंटेमिनेशन वगैरह का भी इशू होता है और डिस्पोज कर देते हैं फौरन सिंगल डोज यूज करने के बाद। वेरी गुड जी, असल मेन रीजन बेटा यही होता है क्योंकि जब आप ऑपरेशन थिएटर में होते हैं और वहाँ पे इतने लोग और चीजें मौजूद होती तो मे बी पॉसिबल कि कंटेमिनेटेड हो जाए, और अगर आपने सेकेंड दूसरे पेशेंट में दूसरे सर्जरी के पेशेंट में हमने वही यूज कर लिया तो जो आपका इन्फेक्शन होगा वो ट्रांसफर होने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए कोशिश करते हैं कि जहाँ पे सर्जरी वगैरह हो रही है वहाँ पे सिंगल डोज यूज करें। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स आर फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट और एसीटेट, क्लोरहेक्सिडीन एसीटेट, थायोमर्सल एंड बेंज अल्कोनियम क्लोराइड। ये डिफरेंट टाइप्स के इन्होंने प्रिजर्वेटिव्स बताए बेटा जो कि डिफरेंट रेशो में हम आई ड्रॉप्स में यूज कर रहे हैं। Although benzalkonium chloride is probably the most active of the recommended preservative, it cannot always be used because of its incompatibility with many compounds commonly used to treat eye diseases, nor it should be used to preserve eye drops containing anesthetics. Yani ye keh rahe hain different types ke beta abhi maine jo previous slide is bataya ki different types ke hamare paas preservative hum use kar rahe hote hain, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो प्रिजर्वेटिव जो यूज हो रहा होता है आई ड्रॉप्स में वो बेंजल्कोनियम क्लोराइड है। आपके घर में भी अगर अब आपके पास अगर आई ड्रॉप मौजूद हो तो उसमें आप देखिएगा मेजॉरिटी जो आई ड्रॉप्स होते हैं उसमें हमारे पास बेंजल्कोनियम क्लोराइड मौजूद होता है एज अ प्रिजर्वेटिव, लेकिन तमाम आई ड्रॉप्स में हम
इसे नहीं यूज कर सकते क्यों, इनकम्पैटिबिलिटी, यानी मे बी पॉसिबल के इसका ड्रग इंटरेक्शन हो जाए जो दूसरे हम ऐसे आई ड्रॉप, जैसे इन्होंने एनेस्थेटिक्स की एग्जाम्पल दी कि वो आई ड्रॉप जिसमें एनेस्थेटिक जो कि हम लोकल एनेस्थेटिक्स के तौर पर हम यूज कर रहे हैं, वहां पर हम बेंजल्कोनियम क्लोराइड यूज नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर ड्रग इंटरेक्शन के चांसेस होते हैं। आई ड्रॉप्स आर स्लाइन कंटेनिंग ड्रॉप्स यूज्ड एज एन ऑक्यूलर रूट टू एडमिनिस्टर। ज्यादातर ये कह रहे हैं जो आई ड्रॉप्स होते हैं नॉर्मल, जो बेटा हम उसमें नॉन मेडिकेटेड की अगर हम बात कर देते तो वहां पर हमारे पास स्लाइन कंटेनिंग होते हैं जो कि रेडनेस के लिए, या अगर ड्राई आईज होती है उसे लुब्रिकेट करने के लिए, मॉइस्चर के लिए, वहां पर हम स्लाइन कंटेनिंग ड्रॉप्स हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन बीइंग ट्रीटेड, इसके अलावा डिफरेंट डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के आई ड्रॉप्स मौजूद होते हैं, जिसमें हमारे पास दे मे कंटेन स्टेरॉइड्स, एंटीहिस्टामिन, सिंपैथोमिमेटिक्स, बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स, पैरासिंपैथोमिमेटिक्स, पैरासिंपैथोलाइटिक्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, नॉन स्टेरॉइडल, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल और टॉपिकल एनेस्थेटिक्स। यानी अगर हम किसी डिजीज कंडीशन की बात करें तो उसमें हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स के आई ड्रॉप्स मौजूद होते हैं। आई ड्रॉप्स समटाइम्स डू नॉट हैव मेडिकेशन इन देम एंड आर ओनली लुब्रिकेटिंग एंड टीयर रीप्लेसिंग सॉल्यूशंस। यानी वही मैंने आपको बताया कि हमारे अगर हम मेडिकेट को डिवाइड करें हम इसके हिसाब से तो हमारे पास मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड आई ड्रॉप्स आ जाते हैं। मेडिकेटेड में मैं ये बेटा आगे ये तमाम एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताई है ये होगी। नॉन मेडिकेटेड आई ड्रॉप्स आर यूज टू रिलीव ड्राइनेस एंड इरिटेशन। यानी नॉन मेडिकेटेड आई ड्रॉप जो ओवर द काउंटर आपको मिल जाते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप जाके खरीदेंगे, वैसे तो हमारे यहाँ सभी मिल जाते हैं लेकिन जो नॉन मेडिकेटेड होते हैं वो ओवर द काउंटर भी होते हैं। द अवेलेबल कैटेगरीज ऑफ नॉन मेडिकेटेड आई ड्रॉप्स जो हमारे पास हैं कौन कौन सी होती हैं, ड्राई आई आई ड्रॉप्स होते हैं, इसके अलावा गेट द रेड आउट आई ड्रॉप्स जो सेकेंड है यानी कि अगर रेडनेस वगैरह उसको रिमूव करने के लिए, कॉन्टेक्ट लेंस आई ड्रॉप्स जो होते हैं इसे हम कहते हैं रीवेटिंग ड्रॉप्स, जो आप कॉन्टेक्ट लेंस लगा रहे होते हैं उसको वेट करने के लिए हम इसे यूज कर रहे होते हैं तो इसे हम कहते हैं कॉन्टेक्ट लेंस आई ड्रॉप्स और रीवेटिंग ड्रॉप्स। यूजेस क्या है, यूजेस ऑफ आई ड्रॉप्स वो तो तमाम चीजें बेटा भी पीछे भी मैंने आपको बता दिए हैं कि मेडिकेटेड के क्या क्या यूजेस हैं, नॉन मेडिकेटेड इसको हमने फिर एक जगह कंपाइल कर लिया है कि मेजॉरिटी यूजेस अगर सिर्फ आपसे पूछ लिए जाएं एग्जाम में तो उसमें आप क्या हैं, डायलेटिंग ड्रॉप्स ड्यूरिंग आई एग्जाम्स, रेडनेस रिलीविंग ड्रॉप्स, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स फॉर ड्राई आईज, इच रिलीविंग यानी एलर्जी वगैरह इचिंग हो रही है उसके लिए जो ड्रॉप्स हो रहे हैं, नंबिंग ड्रॉप्स बिफोर सर्जरी कि अगर सर्जरी से पहले आपको जो है कोई एरिया लोकलाइज एरिया वहाँ पे हम नंबिंग के लिए कि वहाँ सेंसिटिविटी ना फील हो तो नंबिंग ड्रॉप्स हम यूज करते हैं, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स फॉर सम इन्फेक्शंस जो डिफरेंट मैंने बता दिए अभी पीछे भी आपको बताए हैं, प्रेशर लोअरिंग ड्रॉप्स फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, जहाँ पे ग्लूकोमा होता है जहाँ पर आई में प्रेशर बढ़ जाता है वहाँ प्रेशर को लोअर या रिड्यूस करने के लिए हम ये वाले ड्रॉप्स, तो ये डिफरेंट यूजेस हैं बेटा जो आई ड्रॉप्स में हम यूज कर रहे हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, वैसे तो आप देखें तो यूजेस और एडवांटेजेस ऐसा तकरीबन सेम ही होते हैं, जाहिर है जो उसके यूजेस होंगे वही उसके एडवांटेजेस होंगे, इसमें अलग टॉपिक के तौर पे इसको पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ आई ड्रॉप्स में जो आएगा हमारे पास, ऑफर मॉइस्चर टू योर आईज, फॉर एनीवन विद ड्राई आईज आई ड्रॉप्स आर द बेस्ट एंड इंस्टेंट वे टू रिप्लेस द लॉस्ट मॉइस्चर ऑफ द आईज। ठीक है, अगर समटाइम ऐसा होता है कि पेशेंट की आईज बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई हैं तो वहाँ पर हम जो मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए या ड्राइनेस को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आई ड्रॉप्स होते हैं वो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा सेकंड जो है यूज टू डील विद सेवरल आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अगर हम अगर आईज की डिफरेंट डिजीज है कोई भी मसला हो गया है आईज में तो जो डिफरेंट टाइप्स की आप आई ड्रॉप्स यूज करेंगे वो उसका सेकेंड एडवांटेज है। जैसे इन्होंने कहा एलर्जी है या लेजिक आई सर्जरी जहाँ रेडिएशन अगर सर्जरी हो रही होती है वहाँ पे हम डिफरेंट आई ड्रॉप्स यूज करते हैं, इसके अलावा ग्लूकोमा में हम मेडिकेटेड आई ड्रॉप्स आप यूज कर रहे होते हैं प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए,
थर्ड जो है इजी एंड कन्वीनियंट देन पिल्स. अगर हम इसका कंपैरिजन आप देखें नॉर्मली तो आप हमारे पास जो होता है अगर पिल्स और इंजेक्शंस मौजूद होते हैं तो पेशेंट कंफर्टेबल होते हैं आई ड्रॉप से एज कंपेयर टू अगर हम पिल्स और इंजेक्शन देखें. इंजेक्शन में तो वैसे भी निडल फोबिया सबसे पहले आ जाता है पेशेंट को कि जहाँ वो इंजेक्शन का नाम सुनते हैं वहां पे उन्हें निडल फोबिया होता है. आगे चलते हैं बेटा हमारे पास जो आ रहा है आई लोशन. आई लोशन है, आई ऑइंटमेंट है. इसके अलावा जो लास्ट मैंने बताया आपको कॉन्टेक्ट लेंस सॉल्यूशन है. अच्छा ये बताएं बेटा यहाँ तक अभी आपने जितने भी पीछे भी प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हैं वो सारे समझ में आ गए जी? पोर्टियर, एक तो बेटा ये स्ट्रेंथ मुझे नहीं पता कि क्यों कम होती है. वरीशा जी, वरीशा आवाज आ रही है मेरी? हेलो सिमरा, आप बताइए बेटा क्या समझ में आया अभी तक? मैम सारे लेक्चर्स तो अभी कवर नहीं हुए, काफी सबके लेक्चर तो हाँ जितने कवर, ये तो बेटा अभी 6 लेक्चर है. मैं यही सोच रही हूँ कि सैटरडे में आप लोगों का मॉर्निंग इवनिंग का दोनों का एक कंबाइन रख लूँ ताकि जितने हमारे वहाँ पर 11 लेक्चर्स हो चुके हैं वो कवर होते जाए साथ साथ, ठीक है ना जी? अभी पढ़े आप लोगों को समझ में आ गए? स्ट्रेंथ क्यों जी मैम? ये भाई ये बताएं पहले मुझे, या तो मैम या तो आप लोग ये समझते हैं कि बहुत आसान है खुद ही कर लेंगे आप लोग, मुझे ये नो मैम ऐसी बात नहीं है. फिर क्यों इतनी स्ट्रेंथ आपकी वो भी नहीं है, क्या नाम है उनका, सी आर भी, जो जी आर सी आर दोनों नहीं है. फात का तो मैसेज आया इंटरनेट का मसला है. फरहीम से मेरी सुबह बात हुई और अभी वो क्लास में है नहीं, या तो फिर मैम पता नहीं सारी क्लासेस का ही इशू है शायद, सब रिकॉर्डेड लेक्चर्स उनके लिए ज्यादा फिर वो है मैम, क्योंकि वो लोग जो है ना कहते हैं कि हम लोग किसी भी वक्त वो ले सकते हैं, फिर वो बॉन्ड हो जाते हैं टाइमिंग पे. रिकॉर्डेड तो है ही लेकिन इसमें ये होता है ना कुछ हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो रिकॉर्डेड में नहीं बताई हो, है ना, तो फिर ये होता है कि वो चीजें हम इसीलिए ये इंटरेक्टिव सेशन ले रहे हैं ना आप लोगों के. जी मैम चले आगे चलते हैं. हमारे पास आई ड्रॉप्स जो हमने कंप्लीट कर लिया, फिर हमारे पास आई लोशन है, ऑइंटमेंट है, इसके अलावा आई जेल्स में भी बेटा आ रहे हैं अब तो ये जो है हमारे पास, ठीक है. तो आई लोशंस आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस यूज्ड फॉर वॉशिंग और बाथिंग द आईज, दे आर स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग इन रिलेटिवली लार्ज वॉल्यूम कंटेनर्स. आई लोशंस में जैसे मैंने अभी आप लोगों को आई ड्रॉप्स में बताया था कि मैक्सिमम वॉल्यूम हमारे पास आई ड्रॉप्स में कितना एमएल होता है जी, बताइए जल्दी से. दिलनवाज अलीशर कौन है भाई जी, कौन है दिलनवाज? दिलनवाज आप बताइए जी. बेटा आवाज नहीं आ रही मेरी. मरियम, मरियम आप बताएं जी. सिमरा, मैक्सिमम क्या वॉल्यूम होता है आई ड्रॉप्स में, जल्दी बताएं, कोई भी बताए. अभी पीछे पड़ा है बेटा. 10 ml से कम. जोर से बोलो, आवाज बहुत कम आ रही है मुझे. मैम 10 ml से लेस देन 10 ml. 10 ml और लेस देन 10 ml, ये तो मल्टी डोज में होता है, और सिंगल डोज में क्या होता है? 0.3 to 0.5. ठीक है, गुड, वेरी गुड. ठीक है, ये दिल नवाज बेटा आप जो है ना क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं या दे रही हैं, कौन है ये दिल नवाज जी? बेटा दिल नवाज अलीशर, आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है आवाज जी. सिमरा, कितने टाइप्स की आई प्रिपरेशन बताइए. सिमरा बताएं बेटा. अब मैं बताऊं बेटा, ये जो जो इंटरेक्टिव सेशन हम लोग ले रहे हैं ना बेटा, ये इसके भी जो आपकी अटेंडेंस आ जाती है इसकी मैं पिक्चर खींच के रख रही हूँ, और उसके बाद जो भी आपके प्लस पॉइंट होंगे वो उन्हीं को मिलेंगे जो के इंटरेक्टिव सेशन में आ रहे हैं. जो नहीं आ रहे हैं वो नहीं आएंगे मेरे पास. वरीशा तारिक, वरीशा आप बताइए बेटा जी. जी मैम ये आप बताइए.
आई प्रिपरेशन कौन कौन सी हमने डिस्कस की है मैम? आई ड्रॉप्स, आई ऑइंटमेंट, लोशंस और मैम कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए जो सॉल्यूशंस होते हैं, और इसके अलावा एक और बताइए जो यहाँ लिखी है। आपने बोला आई जेल भी होता है। आई जेल्स में भी है, वेरी गुड। ठीक है, तो आई लोशंस में हमने कह दिया कि आई लोशंस में मेजॉरिटी जो हमारे पास क्या होते हैं, आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस होते हैं और ये भी स्टरलाइज होते हैं। मैंने वहाँ यहाँ पे वॉल्यूम इसलिए आपसे पूछा कि आई ड्रॉप्स की जब हम बात कर रहे थे तो मैक्सिमम 10 ml था, लेकिन यहाँ पर जो हमने आई लोशंस की बात करें, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है वॉशिंग पर्पज या बाथिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे थे, इसलिए लार्ज वॉल्यूम कंटेनर्स होते हैं। इनका जो वॉल्यूम होता है वो 100 ml और इससे ग्रेटर होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे आई ऑइंटमेंट। नॉर्मली आई ऑइंटमेंट तो आप लोगों के घरों में भी होता है, जहाँ पे पिक्चर भी आपको नजर आ रही है, पॉलीफेक्स वगैरह सबसे ज्यादा यूज हो रहा होता है। ठीक है, आई ऑइंटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अ सेमी सॉलिड बेस। मेरा ख्याल से आप लोगों ने ऑइंटमेंट वगैरह लैब में, मुझे नहीं पता आप लोगों ने लास्ट टाइम प्रिपेयर किए हैं या नहीं किए लैब में। ज्यादातर हम बनवाते हैं बच्चों से ऑइंटमेंट वगैरह, तो उन्हें पता होता है किस तरह ऑइंटमेंट बना रहे हैं। विच कंसिस्ट ऑफ येलो सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन एंड वुल फैट। इसपे ये होते हैं, ये तमाम चीजें होती हैं आई ऑइंटमेंट में मौजूद होती हैं, जिसमें येलो सॉफ्ट पैराफिन 8 parts होता है, लिक्विड पैराफिन एंड वुल फैट 1:1 part होते हैं, इनका रेशियो जो होता है। कॉन्टेक्ट लेंस सॉल्यूशन, most contact lenses are worn for optical reason as an alternative to spectacles. Contact lenses are of two types, hard lenses which are hydrophobic and soft lenses which may be either hydrophilic or hydrophobic. yani contact lenses zyadatar aap jo hote hain as a alternate jo glasses ya spectacles ke alternate pe hum use karte hain, yani optical reason ke liye use kar sakte hain ya फैशन के तौर पर, ब्यूटी के रीजन पे, तो कॉस्मेटिक रीजन के तौर पर यूज करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स आपके ऐसे होते हैं जो बच्चे जो ग्लासेस लगाते हैं, लेकिन नॉर्मली वो ग्लासेस लगाते हैं लेकिन पार्टी वगैरह में जाते हैं तो वो लेंसेज लगाते हैं, तो वो जो होता है क्या होता है ऑप्टिकल रीजन के तौर पर यूज करते हैं। या ब्यूटी और कॉस्मेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कलर्ड लेंसेज जो आप लोग यूज कर रहे होते हैं बेटा, तो उनको सेव करने के लिए हमारे पास क्या होता है कॉन्टेक्ट लेंस सोल्यूशन मौजूद होते हैं जो उसको प्रिजर्व रखते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो हमारा आज का लेक्चर जो है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का वाइंड अप हो गया है। ठीक है, अब आप लोग इसको रिपीट करते जाएं, जल्दी 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 करें, जो बच्चे आए वो ही पढ़ें। मरियम आप बताइए, जल्दी से बताइए, इंट्रोडक्शन बताएं जल्दी से, क्या है, क्या बताया मैंने ऑलरेडी जो है। ये बेटा रिकॉर्डेड है, बहुत पुराना लेक्चर हो गया है, लेक्चर 6 है। मैं कोशिश करती हूँ कि सैटरडे भी आप मॉर्निंग इनकी एक में क्लास एक दिन रखूँ, ताकि वीक में 2 इंटरेक्टिव सेशन हो और आपके जो लेक्चर हों वो कवर होते जाएं साथ साथ। जल्दी बताइए। मैम, इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस मतलब ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जो हमारे बेसिकली आई के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं, और एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं जैसे आई ड्रॉप्स वगैरह और ऑयल बेस्ड ऑइंटमेंट्स वगैरह होते हैं, और ये इसलिए होते हैं ताकि हमारे कोई भी आई इन्फेक्शन वगैरह जो हो रहा है उसको हम क्योर कर सके। ठीक है, और स्टेराइल होते हैं ये प्रोडक्ट। इसकी क्या दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कौन बताएगा? आप नहीं, अब आप कौन बात कर रही है? जी बेटा, मरियम, मरियम बात कर रही है। अच्छा, दिलनवाज, दिलनवाज बताइए भाई, दिलनवाज अलीशर कहाँ है ये? जी दिलनवाज, बेटा ऑन करके छोड़ देते हैं। सिमरा, सिमरा आप बताइए क्या दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसकी, जिसे खास तौर पे हमने हाईलाइट किया है। बेटा ये इस तरह तो काम नहीं चलेगा, ये इस तरह आप लोग नहीं पढ़ेंगे। अभी आप लोगों का ये दूसरा चैप्टर वाइंड अप हो गया है, मेरा ख्याल से इसके बाद मैं क्विज रखूंगी, और मैं एक दिन पहले सिर्फ बताऊंगी मैं क्विज का, आप लोगों को ये बता रही हूँ मैं, उसके बाद फिर आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर नंबर खराब आए हैं तो, क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं रहे। यहाँ आने के बाद भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, रिकॉर्डेड ऑलरेडी मौजूद है। वरीशा आप बताइए बेटा। जी मैम,
या दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसकी? ऑप्थैल्मिक जोर से बोलिए मैम, उनका स्टेराइल होना मस्ट है. अगर वो स्टेराइल नहीं होंगे तो आई हमारा बहुत सेंसिटिव है, वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं. और दूसरा वो पार्टिकल्स, फ्री ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए जो पैन वो मैम, वरना अगर इस तरह की प्रिपरेशन हमारी आई में जाके इरिटेशन कॉज कर सकती है. बिल्कुल, इरिटेशन कॉज कर सकती है और पॉसिबिलिटी है कि कॉर्निया को डैमेज कर दे. जी मैम, आपको इरिटेशन फील होती है तो आप इचिंग और उसको फिर क्या करते हैं, आप जोर जोर से रगड़ना शुरू कर देते हैं आईज को, ठीक है ना. उससे क्या होगा, पॉसिबिलिटी है कि कॉर्निया डैमेज हो जाए. ठीक है, ठीक है, आगे चलिए. फिर मैम आपने उसकी टाइप्स बताई थी. हाँ, आई ड्रॉप्स जी, लोशन, जेल, ऑइंटमेंट सॉल्यूशन. वसीम आप बताएं, वसीम आप बताएं, जल्दी जल्दी रिवाइज करें बेटा, टाइम आउट होने वाला है, जल्दी बताइए वसीम. जी मैम, उसके बाद आपने प्रिजर्वेटिव्स का बताया कि उसमें बेंज अल्कोनियम क्लोराइड को हम ज्यादा यूज करते हैं. ठीक है, ठीक है. नहीं, आप प्रिपरेशंस में बताएं कौन कौन सी प्रिपरेशंस आ गई थी हमारे पास. मैम हमारे पास एक्वस थी, लोशन प्रिपरेशंस थी, उसके बाद हमारे पास ऑइंटमेंट्स थे, जेल्स वगैरह थी उसके पास, और कॉन्टेक्ट लेंस सोल्यूशन भी हमारे पास लोशन में उसमें आ जाएंगे, लिक्विड में, एक्वस में आ जाएंगे. ठीक है. अच्छा, बेंज अल्कोनियम क्लोराइड का हमने कहा था कि बेंज अल्कोनियम क्लोराइड जो होता है वो हम मेजॉरिटी प्रिपरेशन में, हम जो हमारे पास आपके घर में भी अगर हो तो आप देखिएगा कि कौन से है प्रिजर्वेटिव यूज किया हुआ है. ठीक है. अच्छा, लेकिन हम किन प्रिपरेशन में जो स्पेसिफाई मैंने किया है वहां पर हम बेंज अल्कोनियम क्लोराइड नहीं यूज करते और क्यों नहीं यूज करते, कौन से ऐसे हमारे पास मेडिकेटेड होते हैं जहाँ पर बेंज अल्कोनियम क्लोराइड नहीं यूज करना चाहिए, जल्दी बताइए. जी हाँ, क्यों क्यों नहीं यूज करते आप बताइए वसीम. मैम क्योंकि उसका स्टेबिलिटी का इशू आ रहा होता है. अच्छा, ठीक है, ठीक है, इनकंपैटिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है कि ड्रग इंटरेक्शन हो जाता हो इस वजह से. अच्छा, ठीक है, है बेटा, मैंने मॉर्निंग को एक असाइनमेंट दिया था, आप लोगों को दिया है क्या? नहीं. अच्छा, मॉर्निंग ही तो आप लोगों को तो दिया हुआ है शायद मैंने. आप लोग असाइनमेंट का काम कर रहे हैं? जी मैम कर रहे हैं. ठीक है. मैम असाइनमेंट का आप एक दफा थोड़ा सा और अगर बता दें, क्योंकि वो सेशन मैंने अटेंड नहीं किया था. अच्छा बेटा, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें मैंने 10 ग्रुप दिए थे. ठीक है, मतलब थेरेप्यूटिक क्लासेस थी 10. ठीक है, उसकी पिक्चर भी मैंने पिक्चर खींच के अपलोड कर दी थी उसके. उसमें से मैंने कहा था हर स्टूडेंट को जो है ना बेटा 5-5 क्लासे उठानी है. ठीक है, ठीक है, हर क्लास में आपको जो है 4-5 एग्जाम्पल देनी है आपको, जो आपके पास ब्रांड और जेनरिक होंगे वो, और उसकी उसकी नॉर्मल डोजेज फॉर्म क्या है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, ये तमाम चीजें उसमें मेंशन करनी है. हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली करना है. उस 10 में से 5 क्लासे उठाएंगे आप लोग थेरेप्यूटिक की जो हमारे पास यूज हो रही है, और उनमें इससे फिर क्या होगा, एट द एंड जैसे आपका हॉस्पिटल फार्मेसी का ये वाला कोर्स खत्म होगा, जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं कि आपके पास इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद आपके पास ड्रग की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो अगर आप 5 क्लासेस में बेटा 5-5 जो है एग्जाम्पल भी कवर करते हैं तो अच्छा खासा आपका कवर हो जाएगा ना. और उसको फिर एट द एंड हम उसका एक टेस्ट भी मैं ले लूंगी. हर स्टूडेंट को मैंने 5-5 ग्रुप के उठाने के लिए. ठीक है, उसका उसमें ब्रांड, उसका जेनरिक, उसकी डोजेज फॉर्म, उसकी डोज, उसके साइड इफेक्ट, तमाम चीजें मेंशन करनी है. ठीक है, मेरा ख्याल से इवनिंग को शायद मैंने नहीं दिया, उनको भी मैं दे दूंगी. ठीक है बेटा, यहाँ पर जो है ना आज हमारा ये टॉपिक वाइंड अप हो जाता है. कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना मैं जो हूँ ये इसे वाइंड अप कर रही हूँ. ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़.